वेलकम बैक थ्री डी स्टार वीडियो। हाय गाइस, आज हम आपको बताएंगे हम सारा इक्विपमेंट या गैजेट लाते कहाँ से। सामने देख सकते हैं हावड़ा जंक्शन, ये हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यदि हम लोग ट्रेन से आएंगे तो इसी जगह उतरना होगा हम लोग को। तो अभी हम लोग बस से आ रहे हैं, तो बस से हम लोग ये हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके हम लोग जाएंगे बस स्टैंड, जो हम लोग का बाबू घाट में पड़ता है। बाबू घाट में है, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है बाबू घाट। तो हम लोग बाबू घाट पहुँचेंगे बस स्टैंड, उसके बाद फिर बताएंगे हम लोग जाना कहाँ था और हम लोग अपना सारा गैजेट लेते कहाँ से। बाबू घाट कलकत्ता का बस स्टैंड है, जो हावड़ा ब्रिज पार कलकत्ता का बस स्टैंड बाबू घाट है। हमारे लोकेशन से 300 किलोमीटर दूरी पे ये आता है। यहाँ आने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा है, आप उससे सुविधा हो उससे आ सकते हैं। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6 और हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता, चाय और बिस्किट का मज़ा लेते हुए। अब हम लोग यहाँ से बाबू घाट पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे और धरम तल्ला की ओर बढ़ेंगे, धरम तल्ला की ओर पैदल भी। पहले आपको बाबू घाट में उतर जाना है, बाबू घाट से फिर आपको यदि पैदल है तो ईडन गार्डन होते हुए चले जाना है। यदि आप मिनी पकड़ लेंगे तो वो भी अच्छा है, बट हमारे पास कई अभी काफ़ी टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो हम लोग वॉक करते हुए निकल पड़े हैं ईडन गार्डन की ओर। और कुछ सुबह सुबह बादल का मौसम है और बहुत खूबसूरत मौसम है, तो मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग मॉर्निंग वॉक करते करते पहुँच चुके हैं ईडन गार्डन, जो हमारा ये क्रिकेट का स्टेडियम है। खूबसूरत ईडन गार्डन का नज़ारा आप देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधा इस रूट में चलेंगे जो धरम तल्ला की ओर जाती है, तो हम लोग धरम तल्ला पहुँचेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं धर्मतल्ला। धर्मतल्ला के पास आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा आपको देखने को, जैसा कि देख सकते हैं और इस तरह की बड़ी बिल्डिंग। और हमें जाना है, हमारा लोकेशन है मेट्रो गली। मेट्रो गली जाने के लिए पहले हमें इस चौराहे पे आना है। इस बिल्डिंग के देख सकते हैं, इस बिल्डिंग के ठीक थोड़ा सा आगे देखिए मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ था, आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं मेट्रो का बोर्ड। देखिए रेड कलर पे वाइट कलर का मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है। और हम लोग रोड क्रॉस करके इस साइड आ गए हैं, सामने मेट्रो का बोर्ड है। और इस जगह पे आपको सामने जैसे कि ये गली है, सामने में आपको जूता चप्पल का दुकान फुटपाथ काफ़ी दिखते होंगे, कई सारे दुकान हैं फुटपाथ। इसी से आपको अंदर आना है, अंदर आने के बाद आपको सिर्फ कैमरा के कैमरा ही दिखाई देगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कैमरा की दुकान दिख रही होंगी काफ़ी सारे। तो हम लोग को इसके लिए पे बहुत सारे दुकान है, सेकंड हैंड न्यू सब चीज़ मिल जाएगा आपको। हम लोग किस दुकान से लेते हैं या फिर हमारी टीम किस दुकान से लेती है वो आपको हम लोग दिखाएंगे। तो आपको इस साइड लेफ्ट साइड कट जाना है, लेफ़्ट कटने के बाद थोड़ा सा आगे आना है, इस जगह पर थोड़ा सा बढ़ते चलना है हम लोगों को थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आपको इम्प्रेशनल एक शॉप दिखता होगा, जैसे कि देख सकते हैं इम्प्रेशनल का बोर्ड लगी हुई है। इम्प्रेशनल पे हम लोग लेते हैं, इस जगह पे हमारे भी एक भाई बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट दुकान आगे की ओर है, जो हमारा इस तरफ है AS फोटोग्राफी करके, इस जगह पे है। उसके सीधा और लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर MM हुसैन करके भी एक दुकान है, MM शॉप, उस जगह से भी ले सकते हैं। तो हमारे पास तीन लोकेशन है, तीन शॉप है, बड़ी बड़ी शॉप है और बहुत ही चीप और बेस्ट सामान मिल जाएगा आपको, जैसे कि AS फोटोग्राफी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। लेने के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं। और अभी हम लोग 7A73 देख रहे हैं, जो हम लोग वीडियोग्राफी करेंगे उससे। तो भैया हमारे लिए एक कैमरा निकाले हैं A7 III, जैसे कि देख सकते हैं। चलिए ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ओपन कीजिए।
कुछ मैनुअल बुक है जो अभी हमारे काम के नहीं है, बाद में काम आएगा। इसको अभी साइड करते हैं और खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर में। इसमें एक बॉडी है, ये बॉडी A73 जो मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा है और वीडियो के लिए, वीडियो वेडिंग के लिए बहुत बेटर कैमरा है। इसके साथ पावर प्लग हम लोगों को काफ़ी मिल जा रहा है, एक दो अलग अलग टाइप का पावर प्लग है। ये इंडियन है, ये आपका दुबई है, ये आपका शायद सऊदी साइड की है। मैं भी हमारे पास तो ये ज़रूरत पड़ेगा, चलिए इसे साइड करते हैं। इसके साथ और क्या मिल जाता है, एक बैटरी मिल जा रहा है, चार्जर मिल जाएगा और चार्जर मिल जाएगा और ये बेल्ट है, चार्जर कैमरा का अंदर है और अंदर में चार्जर भी है जो हमें, चार्जर बहुत स्टैंडर्ड और छोटी है। ये रहा चार्जर, चलिए और लेंस हमारा आ गया, ये आपको 2870, ये सोनी का 2870 है हमारे पास। इस पर कुछ सीरियल नंबर 3.5। ओके, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। ये शॉप और बाकी सभी शॉप का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपना गैजेट एक्सेसरीज ले सकते हैं। और हमने जैसे कि दो कैमरा लिया है तो दूसरा का भी आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने दो कैमरा लिया है, सोनी का A7 III और कैनन का RP, मैं दोनों का अनबॉक्सिंग का लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।